अनदेखी हो रही है। यात्रियों और ब्रिज का उपयोग नहीं करके लाइन क्रॉस करके एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, जबकि लाइन क्रॉसिंग के दौरान आए दिन बयाना स्टेशन पर इस वजह से लोगों की मौत हो रही है, फिर भी यात्री नियमों का पालन नहीं कर रहे। दूसरी तरफ रेलवे पुलिस इन यात्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा स्टेशन पर सांड घूमते हैं, यात्रियों को चोटिल कर रहे हैं, मगर स्टेशन पर कर्मचारियों की लापरवाही से प्लेटफॉर्म पर सांड घुसने की वजह से कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वैसे स्टेशन पर प्रवेश द्वार में घुसते समय टीटी द्वारा चेक किया जाता है, मगर सांडों को बिना चेकिंग के ही अंदर घुसा दिया जाता है। पहले तो 6 डिब्बे चल रहे थे, अब तो डिब्बे बढ़ गए हैं। बाकी इंसान फसलों की तरह उसमें सफर करते थे, आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। रोज कोई ना कोई व्यक्ति है जो वहाँ पे बैला के रेलवे स्टेशन पर एक्सपायर हो ही जाता है। साड़ों का आना जाना, साइकिलों का, मोटरसाइकिलों का जमावड़ा दिनों रात वहाँ लगा ही रहता है। कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। ये ना ये सब बैला रेलवे स्टेशन की मैं बात करता हूँ हमारे शहर की, तो यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। लोग लाइन क्रॉस करते हैं अवैध रूप से, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। इसके अलावा आवारा पशुओं की भरमार है, बड़े बड़े सांड इन लाइनों पर कभी कभार चले जाते हैं। कोई प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, रेलवे की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदारी सरकार की होगी और नुकसान होगा, जनहानि होगी। किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो कर्मचारी हाथ खड़े कर देंगे, तो ऐसी प्रभावी कार्रवाई इसके लिए की जाए कि इन चीज़ों